हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर्स की बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी आलू मेथी की रेसिपी। और यकीन मानिए, ये आलू मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती है। अगर आपकी आलू मेथी कड़वी बनती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस रेसिपी को एंड तक देखें, इसे ट्राई करें, बिना स्किप किए देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर किया है कि किस तरह से आप अपनी मेथी को कड़वा होने से बचा सकते हैं। अगर आपने ये रेसिपी मेरे तरीके से बना ली तो आपके घर में भी बच्चे से लेके बड़े सारे आलू मेथी को उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितनी छोटे छोटे पत्तों वाली मेथी ले ली है। इसे अच्छे से साफ करके पानी से अच्छे से धो दिया है और उसके बाद बारीक बारीक काट लिया है। पहले धोएं, उसके बाद इसे बारीक बारीक काटें। अब आलू मेथी बनाना शुरू करते हैं। आलू मेथी बनाने के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच जितना ऑयल। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी 3 मीडियम साइज के आलू। यहाँ पर मैंने नया आलू ले लिया है और इसे मैंने थोड़े से मीडियम साइज में काट लिया है। और अब गर्म तेल में इसे हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई करके बनाने वाली हूँ। ये मैंने आलूओं को थोड़ा थोड़ा शैलो फ्राई कर लिया है, 1 से 2 मिनट के लिए ही करना था, बहुत ज़्यादा इन्हें शैलो फ्राई नहीं करना है। अब ये शैलो फ्राई हो गए हैं तो बाकी सारी चीज़ें डाल देते हैं कढ़ाई में। अब डालेंगे इसमें एक बड़े साइज का प्याज, बारीक बारीक काट कर डालेंगे। अगर आप चाहें तो बिना प्याज और लहसुन के भी बना सकते हैं। आलू मेथी बिना प्याज लहसुन के भी बहुत टेस्टी बनती है। मैं यहाँ पर प्याज लहसुन वाली आलू मेथी बनाऊंगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन और अदरक, ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है चॉपर की हेल्प से। कद्दूकस करके नहीं डालना है, चॉप की हुई डालनी है, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर। यहाँ मैंने देसी टमाटर का यूज़ किया है, देसी टमाटर जूसी भी होते हैं और इनमें नेचुरल खटास भी होती है। बहुत सारे लोग आलू मेथी को बनाते हुए टमाटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि टमाटर डालने से मेथी का फ्लेवर तो बढ़ता ही है, आलू मेथी जूसी भी बनती है और टमाटर की वजह से ही मेथी की कड़वाहट भी दूर हो जाती है। तो आलू मेथी में टमाटर ज़रूर डालें, इससे आलू मेथी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आलू मेथी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। और साथ में डालूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर। बस इतने ही मसाले डालने थे मुझे इसमें। और अब अच्छे से इसे मिलाएंगे ताकि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू सब आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिल जाए उसके बाद इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए और आलू भी थोड़ा सा गल जाए। 2 मिनट के बाद अब टमाटर भी अच्छे से मैश हो गया है और सारी चीज़ें आपस में थोड़ी सी मिक्स मिक्स सी भी लग रही हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 किलो कटी हुई मेथी। अभी आपको लग रहा होगा कि 1/2 किलो मेथी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये गलती जाएगी वैसे वैसे ये कम हो जाएगी और ये खाने में इतनी टेस्टी बनती है कि आपको बनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगने वाला है कि ये इतनी कम क्यों बनी है।
अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब 2 मिनट के बाद मेथी को बिना ढके पकाएं। बिना ढके पकाने से मेथी की कड़वाहट कम होती है। मैंने यहाँ पर मेथी की कड़वाहट को कम करने के लिए 2 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले तो मेथी बनाते हुए इसमें टमाटर ज़रूर डालें, जिससे इसकी कड़वाहट एकदम बैलेंस हो जाती है। और दूसरा स्टेप है कि 2 मिनट के लिए ढककर पकाएं और बाकी के टाइम मेथी को खोल कर पकाएं। इन 2 स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। अगर इसके बाद भी आपकी मेथी अगर कड़वी बनती है तो आप कटी हुई मेथी को नमक वाले पानी में थोड़ी देर सोख करके रख दें। अब लगातार चलाते हुए आलू मेथी को खोल कर अच्छे से पका लें। अभी आलू इसमें अच्छे से गले नहीं हैं, लेकिन मुझे मेथी को कड़वा होने से बचाना है, इसलिए मैं इसे खोल कर पका रही हूँ। जब आपकी मेथी अच्छे से पक जाए, 2 से 3 मिनट लग जाएगा इसमें, जब आपकी मेथी अच्छे से पक जाए तो आप इसे दोबारा से ढक कर आलू को अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें। लगातार चलाते रहें, 2 से 3 मिनट लगेगा इसे पकने में। जब आलू मेथी अच्छे से पक जाती है तो लास्ट में आलू मेथी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के देसी घी। देसी घी डालते ही मेथी की खुशबू बहुत बढ़ जाती है, आलू मेथी का टेस्ट एकदम डबल हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आलू मेथी को थोड़ी देर के लिए देसी घी डालने के बाद भी पका लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसे ढक कर, क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं तो ढक कर आलू को भी थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब थोड़ी देर ढकने के बाद आलू मेथी अच्छे से बनकर रेडी हो गई है और इसमें से देसी घी वाली बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, प्याज लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में से प्याज लहसुन को हटा दें और बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ डालें। ये बहुत टेस्टी बनती है, सबको बहुत पसंद आएगी और आपके घर में बच्चा हो या बड़ा हो, हर कोई इसे उंगलियां चाट चाट कर खाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ये सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।